मैं हूं बरखा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बरखा स्पेशल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एलोवेरा फेशियल एट होम। इस फेशियल को करने के लिए मैंने नेचुरल एलोवेरा का यूज किया है जो मेरे गार्डन में लगा हुआ है। आप चाहे तो रेडीमेड एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत कंपनी के एलोवेरा जेल उपलब्ध है, जैसे पतंजलि हुआ, एलो फ्रेश का हुआ, लेक्मे का भी आता है, आप इनको भी आप यूज कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं नेचुरल एलोवेरा फेशियल। एलोवेरा जेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो एलोवेरा की लीफ ली है। अब इनको हम साइड में से कट कर लेंगे नाइफ की मदद से। साइड का पार्ट काटने के बाद में हम बीच में से उसको कट कर लेंगे जिससे एलोवेरा जेल व्यवस्थित रूप से निकल सके। इस तरह से हम उसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। स्पून की मदद से हम उसको निकाल लेंगे। ये एलोवेरा जेल है जो हमने लीफ से निकाला है। अब इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद वो इस फॉर्म में होगा। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे, उसके लिए हम ये एलोवेरा जेल लेंगे। इसको हम 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे और इसके अंदर हम कच्चा दूध मिलाएंगे। ऑलवेज कच्चा दूध ही मिलाना है, ये बहुत अच्छा रहता है अपनी फेस के लिए। 2 चम्मच हम कच्चा दूध मिलाएंगे। अब इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में ये इस फॉर्म में होगा। अब अपने बालों को टाई अप कर लेंगे। हेयर्स को टाई अप करने के बाद में हम एक फेशियल बैंड लेंगे जिससे हमारे हेयर्स को सिक्योर कर लेंगे, जिससे हम हमारे हेयर को मैशअप होने से बचा सकें। अब इस क्लींजिंग लोशन को हम हमारे फेस पर लगाएंगे। अब हम उसे सर्कुलर मोशन में हम मसाज देंगे। सिर्फ फिंगर टिप्स की मदद से हमें उसे मसाज करनी है। हमें इस मसाज को 2 मिनट तक करना है। अब हम बात करें एलोवेरा जेल की, तो ये एंटीबैक्टीरियल है, फेस को मॉइस्चराइज करता है और अपनी डेड स्किन को रिमूव करता है और सनबर्न को भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। एलोवेरा एक मैजिक इंग्रेडिएंट है। अब हम अपने फेस को वेट स्पॉन्ज की हेल्प से रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट हम स्क्रब करेंगे, जिसके लिए हमने वही एलोवेरा जेल लिया है और उसमें हम राइस फ्लोर ऐड करेंगे। 1 से 2 स्पून राइस फ्लोर के ऐड करेंगे और 2 स्पून एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे और उसको मिक्स करके अपने फेस पर इस तरह से रब करेंगे। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में हमें रब करना है। इस प्रोसीडर को हम 5 मिनट तक करेंगे। अब राइस फ्लोर की बात करें तो ये स्किन को ब्राइटन बनाता है और हेल्दी रखता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई हो तो डलनेस को भी दूर करता है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फेस पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। ये हर एक स्किन टाइप के लिए परफेक्ट होता है। अब हम इसे वेट स्पॉन्ज की हेल्प से रिमूव कर लेंगे और क्लीन कर लेंगे। आप चाहें तो अपना फेस को वॉश भी कर सकते हैं। देखिए स्क्रब करने के बाद में कितना अच्छा रिजल्ट आया है। नेक्स्ट है स्टीमिंग। मैंने स्टीमर की हेल्प से स्टीम ली है। आप चाहें तो पानी गर्म करके और उससे भी आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम डेड स्किन को दूर करता है और ब्लैक हेड, वाइट हेड को दूर करने में मदद करता है और फाइन लाइंस को रिमूव करने में भी मदद करता है। आप देख सकते हैं स्टीम लेने के बाद में कितना अच्छा फेस ग्लो कर रहा है। नेक्स्ट है फेस मसाज। उसके लिए वही एलोवेरा जेल लेंगे और उसमें हम विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करेंगे। 2 स्पून एलोवेरा जेल में हम 2 कैप्सूल को ऐड कर लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद में हम इसे अपने फेस पर मसाज करेंगे। मसाज करने के लिए हमें वही मेथड सर्कुलेशन मोशन में ही हमें अपने फेस पर मसाज करना है। विटामिन ई की बात करें तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है, डार्क सर्कल को रिमूव करता है, अपने फेस पर पिगमेंटेशन हो तो उसे दूर करता है। हमें इस मसाज को 10 मिनट तक करना है। हम इसे अपनी आईज पर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मसाज होने के बाद में हम वेट स्पॉन्ज से इसे क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद में हमारा फेस कुछ इस तरह से दिखेगा। कितना ग्लो आया है फेस पर, यह अभी से दिख रहा है। नेक्स्ट है फेस पैक। उसके लिए हम वही 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कर्ड, 1 टेबल स्पून हल्दी का मिक्स करेंगे और उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम उसे अपने फेस पर ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर लगा लेंगे। अब हम कर्ड की बात करें तो ये हमारे फेस पर एक अच्छा सा ग्लो लाता है और साथ ही साथ अपने फेस को हाइड्रेट बना के रखता है और मॉइस्चराइज़र करता है अपने फेस को। इस फेस पैक को हमें 10 मिनट तक अप्लाई करके रखना है और जब तक ये सूखे नहीं तब तक हमें इसे अप्लाई करके रखना है। ये फेस पैक अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम इसे ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लेंगे। हम इसे टॉवल से ड्राई कर लेंगे अपने फेस को और अब आप देख सकते हैं मेरे फेस पर ग्लो। आप भी इसे यूज़ करें और अपने फेस पर इतना अच्छा ग्लो लेकर के आएं। सो दैट्स इट माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।